This, my friends, is the most creamiest, yummiest, and heavenly thing you will ever taste. Just look at that texture. Flan जो है वो एक cross होता है हमारी देसी पाकिस्तानी pudding का और एक custard का. But it is, I'm telling you, 10 times better than both of them together. Assalamualaikum, welcome to my channel A for Ummi. I do a lot of motherhood related videos, lifestyle video, and a lot of recipes. Make sure to subscribe to my channel and don't forget to click on the notification. Well, thank you. चलते हैं अब इसके ingredients की तरफ से. बहुत ही simple हैं. इसके लिए एक can condensed milk का, थोड़ा सा vanilla essence, 1 cup of milk, and 2 cups of heavy cream, and 5 eggs. Yes, अंडे बहुत सारे डलते हैं. इन सब के अलावा इसमें जाएगी 1.5 cup चीनी. And only with these 6 ingredients, the delicious flan will come together, inshallah. अच्छा, जो 1.5 cup चीनी हमने ली थी उसको हम पैन में डालेंगे और उसको ऐसे स्वर्ल करते रहेंगे और हम बेसिकली बनाएंगे कैरमल फॉर दिस फ्लैन. कैरमल फ्लैन के लिए हम कैरमल बनाएंगे और इसमें आपको थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होगी, अराउंड 8 to 10, कभी कभी 15 मिनट्स में, लेकिन बहुत ही हल्की आंच पे हम बस इसको ऐसे स्वर्ल करते रहेंगे और कैरमल खुद ब खुद तैयार हो जाएगी. शुरू शुरू में बहुत टाइम लगता है बट इट विल कम टुगेदर, आई प्रामिस यू, एंड इट विल बी डिलिशियस. ये बहुत ही गर्म होती है, स्पैचुला भी चला सकते हैं बट आई जस्ट लाइक टू स्वर्ल इट. उसके बाद हम इसे एक पैन में, जिसको हमने कुछ भी नहीं करना, दिस इज़ अ 12x12 inch पैन, और उसमें ऐसे स्वर्ल करते हुए डालेंगे. और उसके बाद बहुत सिंपल, हम बाकी जो सारे इन्ग्रीडियंट्स थे उनको एक ब्लेंडर में डालेंगे एंड वी विल ब्लेंड एवरी थिंग. फर्स्ट को आई फर्स्ट पुट द एग्स इन देयर, देन आई पुट द मिल्क. उसके बाद जाता है इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क, पूरा का पूरा कैन जाएगा, बट जाएगा, ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़े की बनेगी. उसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और सारी की सारी क्रीम डालेंगे. हम जब भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स मेजर करते हैं, हम इसे जग में या लिक्विड इंग्रेडिएंट्स वाले मेजरमेंट बोल्स में मेजर करते हैं. खैर, एनीवे, मैं अपने ब्लेंडर में डाला है एंड जस्ट ब्लेंड इट फॉर 2 to 3 minutes स्ट्रेट, और ये बहुत ही ऐसे फ्लफ़ी सा, फोमी सा लिक्विड रेडी हो जाएगा. इस लिक्विड को हम पोर करेंगे जो हमने कैरमल सेट की थी अपने पैन में, उसके ऊपर डायरेक्टली. वील डू नथिंग, वील जस्ट पोर इट डायरेक्टली आउट ऑफ द ब्लेंडर. इट इज़ एज सिंपल एज दैट गाइज, लाइक हाउ, नथिंग कैन बी मोर सिंपलर. अच्छा, ये जो पैन है 12x12 inch का है और ये बिल्कुल परफेक्ट बनती है इन इंग्रेडिएंट्स के साथ. इससे इसको हम बेक करेंगे वाटर बाथ में. वाटर बाथ इज़ बेसिकली, हम एक बड़ा पैन लेते हैं, उसमें हम गरम पानी, खौलता हुआ पानी डालना है. हमने तकरीबन आधी जहाँ तक लाइन है पैन की जिसमें फ्लैन बन रही है आपकी, उस मार्क तक आपने जो है, इट विल नॉट बी अ मार्क पर से, इट विल बी एन इमेजिनरी मार्क, बट उस तक आपने गर्म पानी डालना है और वो पूरा का पूरा रखना है. आपने एक प्री हीटेड ओवन में रखना है and it will bake like that uncovered at 350 degrees Fahrenheit for around 50 to 60 minutes. meri flan ko takriban 60 minutes lage the, maine aur 10 minutes increase kiye the. and when you will take it out, it will not be moving a lot, it will be slightly jiggly, par jab aap use touch karenge bilkul ek liquid si cheez nahi aayegi samne. और इसको वाटर बाथ में से निकाल कर हम इसको इटसेल्फ रूम टेम्परेचर पे आएंगे. आप देख सकते हैं कि साइड से इसने ऑलरेडी आपको ऐसे लग रहा है क्रस्टी क्रस्टी सा, और जब मैं इसको टच कर रही हूँ, हिला रही हूँ, इट्स नॉट जिगलिंग एट ऑल. ये अभी रूम टेम्परेचर पे आ गया है, मैं इसे प्लास्टिक रैप से कवर करूँगी एंड आई विल पुट इट इन द फ्रिज फॉर 5 to 6 आवर्स. दिस इज़ माई कोल्ड फ्लैन रेडी. अब मैं इसको साइड से अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ 2-3 दफ़ा लेकर जाऊंगी अपनी नाइफ, कि पूरा साइज अपनी छोड़ दे. और इसके बाद मैं, अभी आप देखेंगे कि मैं इसके ऊपर अपनी प्लेट, जो मेरी सर्विंग प्लेट है जो कि बिल्कुल इस साइज़ की है, आप उसको इसके ऊपर रखें एंड देन यू विल इन्वर्ट द होल थिंग, और फिर आप इस पर ड्रम बजाएं, बहुत अच्छे से ड्रम बजाएं, जब तक कि आपको फील हो कि अच्छा ये अब लूज़ हो गया और ये आने वाली है. थोड़ा सा और ड्रम बजाएं और फिर इसको बहुत प्यार से, बहुत जेंटली इसको ऊपर, लाइक ऊपर, जस्ट पुल इट अप एंड जस्ट लुक एट this beauty, this golden caramel falling on top of it, making it even so more delicious. This is a perfect crowd pleaser, perfect dessert for parties. And when you cut into this, you just feel this immense pleasure. बहुत ही मज़े से कट होता है ये. And I'm telling you, this can be made in advance. I hope you guys like this recipe. Please make it for Eid or for your parties. And do tell me how it goes, because I'm sure you're going to love it. This is a full foolproof recipe, guys. Please try it. And please like this video if you liked it. This is such an easy thing, जो कि सिर्फ 6 ingredients से मिलकर बनती है, और ये बहुत ही amazing है. This is a very different thing than pudding. So please try it. Allah Hafiz.